क्वेश्चन नंबर 92 बहुत आसान है, रेंज फाइंड आउट करनी है अपन को एफ एक्स की। तो एफ एक्स अपना क्या है, सेक पाई बाई फोर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब आपको एक बात पता है कि हमारा कॉस एक्स है उसकी रेंज होती है कहां से, माइनस वन से लेके वन तक। अब अगर अपन दोनों पे स्क्वायर कर दें तो कॉस स्क्वायर एक्स की जो रेंज होगी वो कहां से हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो से लेके वन तक, क्योंकि माइनस वन माइनस तो आ नहीं सकता ना स्क्वायर करने के बाद कभी भी, तो सबसे छोटा नंबर जीरो आ सकता है। अब अगर अपन इसी को इसमें पुट कर देते हैं तो क्या होगा, हमारी जो रेंज होगी एफ एक्स की वो हो जाएगी सेक पाई बाई फोर और यहाँ पे आ जाएगा जीरो से लेके वन तक। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने का तरीका है, पेपर में नहीं करना है, पर ऑब्जेक्टिव करो तो इससे बिल्कुल सही आंसर आता है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इस पाई बाई फोर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ रहा है, पाई बाई फोर का मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे पाई बाई फोर का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई फोर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, हमारा जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, सेक जीरो की वैल्यू वन होती है और सेक पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है, रूट टू होती है। तो ये हो गई हमारी रेंज, सिंपल है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या किया हमने, पहले कॉस स्क्वायर की रेंज रख दी, उसमें पाई बाई फोर का मल्टीप्लाई कर दिया और पाई बाई फोर का सेक जो आया आंसर, सेक में अपन ने मिनिमम की वैल्यू निकाल ली और मैक्सिमम की वैल्यू निकाल ली और वही हमारी रेंज हो।